13 जून है यहाँ का, इंडिया का। सो आज धर्मेश का बर्थडे है और यहाँ पे बज रहे हैं 8:45 और यहाँ के 10 बजे, वहाँ पे 12 बज चुके होंगे। तो सो मुझे यहाँ पे थोड़ा बहुत डेकोरेशन करना है और साथ में हम केक कटिंग करेंगे, पर उसके लिए मैं अभी फटाफट से रेडी होके आई हूँ। अभी मुझे फटाफट से ये करना है यहाँ पे, सो मैं वो ख़त्म करती हूँ, उसके बाद मैं आपको मिलती हूँ। सो चलिए मैं फटाफट से करती हूँ, बाद में मेरा हेयर भी सुखाने बाकी है। सो फटाफट से करते हैं, 1 घंटा है सिर्फ, और उसमें सब कुछ करना है, डेकोरेशन होप सो हो जाए अच्छे से। सो मैं सोच रही हूँ मैं यहाँ पे करूँ, देखते हैं चलो। और मैंने यहाँ पे सैनलअप बनाया है कि मैं यहाँ पर ये पिक्चर्स इसके अंदर डाल दूँ, तो एक कवर जैसा हो जाएगा। मैं आपको दिखाती हूँ, इसमें बहुत सारे हैं। सो मैं फटाफट से डाल देती हूँ। तो फाइनली गाइस मैंने यहाँ पे इतना किया हुआ है। अभी मैं धर्मेश को कॉल लगाती हूँ और मेरा अभी सेटअप बाकी है, मुझे सॉन्ग भी बजाना है साथ में, तो पहले सेटअप कर लेती हूँ, उसके बाद मैं बात करूँगी सब कुछ। चले अभी हम लोग कुछ खाने बैठेंगे, तो मैंने यहाँ पे कुछ अलग सा कॉम्बिनेशन लेके बैठी हूँ, आइसक्रीम समोसा और सॉसी, बिकॉज यहाँ पे 11 सुबह के 10 बजे है, तो मैं कुछ खाना तो नहीं खा सकती। वहाँ पे धर्मेश खाना खा रहा है, सो हम लोग ने सोचा कि हम दोनों खाएंगे, सो खा रहे हैं अभी, रेडी हो रहा है। गुड मॉर्निंग धर्मेश कुमार, तुम गुड नाइट, हैप्पी बर्थडे, मेरी मेरी हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे।
हैप्पी बर्थडे ब्रदर, अब अभी जो आ जाओ आ भी जो नंबर आ गया। हैप्पी बर्थडे बेटा, बस बेटा भगवान बहुत सुखी रखे, बहुत सुखी रखे ना, तुमने जल्दी जल्दी भेगा थी जाओ बदने जाना। हमारे शांति साई साची तो धनुष मांग बहुत भेगा हूँ क्या जाए। आज तू कहते सांबर बेटा, हमारे तो प्रेज वर्चे जारे सवार उठिए तो एक प्रार्थना वर्चे भगवान ने। अब बस सुखी रहो बेटा, हैप्पी बर्थडे दीजिए, मजा मां सुखी रहो सुखी रहो बेटा, सुखी रहो, महाराज तरफ से आशीर्वाद तुमने बेटा। ओ बस तुम सुखी रहो बेटा, शांति भाव खाओ, जीव खाओ, तुम्हें मीनू भेजो बेटा। क्यों जो बेटा बीजू बधु जो पूजा करो, जो तमारी पण पूजा जो तो तमारी पूजा खाए जो बेटा, बेटा बेटा पूजा करो बस, मेरे को तो बेटा छुकराओ मारा सुखी रहे, शांति जे भी काले पोता जीव जीव। हां बेटा क्या ऑफिस में के पछी घरे चलो, तो हैप्पी बर्थडे फरी, हैप्पी बर्थडे गाटू थी ना गाटू थी इधर में बाकी हैप्पी बर्थडे थी बाकी हैप्पी बर्थडे मजा आवर कोई पार्टी कर लिए छे तो जगह चालो कर आओ जो फाइनली खत्म हो चुकी है, खत्म तो नहीं हुई, मीन्स अभी का प्लानिंग है उनके रात के 12 बजे का सेलिब्रेशन का, वो हो चुका है और केक कटिंग हो चुकी है उनके रात के 12 बजे और अभी वो सो गए हैं दरमेस। तो मैंने सोचा कि तब तक मैं यहाँ पे क्लीन कर देती हूँ और मैं आपको थोड़ी बहुत बता दूँ कि आज का हमारा प्लानिंग क्या है। सो आज का हमारा प्लानिंग में ये है कि मैंने जैसे कि हम जाएंगे शाम के, जो हम लोगों ने ऑलरेडी पैकिंग किया है आप लोगों ने पहले देख लिया होगा कि हम लोगों ने थोड़ा बहुत पैकिंग कर लिया है, जो बच्चों को देना था कपड़ा और ये सब चॉकलेट्स के बंचेस हम लोगों ने बना दिए थे कल ही, कि हम जो वहाँ पे बच्चे हैं अनाथ आश्रम में, हिंदू अनाथ आश्रम यहाँ पे नड़ियात में, बहुत ही बड़ा बहुत ही अच्छा एक अनाथ आश्रम है। सो मैंने सोचा क्यों ना हम वहाँ पे जो बच्चों को ज़रूरी चीज़ें हैं वो प्रोवाइड की जाए। सो मैं कल वहाँ पे गई थी। सो आप लोगों ने शायद मैंने पहले डाला होगा, अदरवाइज इसके वीडियो के बाद में मैं डाल दूँगी वो वीडियो। तो मैं वहाँ पे विज़िट करने गई थी, तो वहाँ पे इतने क्यूट क्यूट से इतने अच्छे अच्छे बच्चे थे, जब भी मैं गई ना वहाँ पे तो इतने सारे बच्चे मेरे आसपास आ चुके थे और उन्होंने ऐसे बहुत ही ज़्यादा क्यूट से इतने मासूम बच्चे थे। तो मैंने पूछा उन लोगों को कि क्या चाहिए, तो उन लोगों की डिमांड्स जैसे कि हमारी भी होती है छोटी छोटी, कि मुझे ये खाना है वो खाना है। सो वहाँ के जो ट्रस्टी जो रहते हैं जो ये सब संभालते, उन्होंने बोला कि हम इतना बाहर का खाना नहीं देते हैं, मीन्स पिज़्ज़ा है क्योंकि छोटे बच्चे हैं अभी इसीलिए। तो बच्चों ने बोला मुझे मैंगो डॉली खानी है, तो मैंने सोचा पक्का मैंगो डॉली तो हम खिला ही सकते हैं और ये गिफ्ट्स तो उन लोगों के लिए लाई हूँ वहाँ पे। वहाँ पे बड़ी बड़ी लड़कियाँ भी है, बहुत सारी लड़कियाँ हैं वहाँ पे, बच्चे हैं छोटे, सबसे छोटा बच्चा 6 साल का है, मैं इसके बाद में डालूँ, इतने क्यूट बच्चे। तो वो लोग डिमांड करते हैं ऐसा कि ये लेके आओ, इतने अच्छे हैं। वहाँ पे जाके मुझे इतना अच्छा लगा और मुझे लगा ये बेस्ट गिफ्ट होगा धर्मेश के लिए, अगर मैं कुछ अच्छा करती हूँ और उन लोगों से उसकी ब्लेसिंग्स मिलती हैं उन लोगों की बच्चों की, तो उससे बढ़िया कुछ और नहीं है मेरी तरफ से। मुझे ऐसा लगता है कि मैं धर्मेश के बर्थडे के दिन ऐसा कुछ करूँ कि जिससे बच्चों को भी उनकी ज़रूरी चीज़ें मिले और ब्लेसिंग्स मिले धर्मेश को बहुत सारी। सो बस यही था मेरा आज का। सो हम लोग जाएंगे 5:30-6 बजे वहाँ पे, केक कटिंग करेंगे उन लोगों के साथ, उनको गिफ्ट्स देंगे वहाँ पे, उनके साथ डिनर करेंगे वहाँ पे, खाने के लिए भी बोला हुआ है करेंगे, आपको भी हम सब कुछ मैं दिखाऊँगी। शायद ये लंबा हो जाएगा वीडियो, तो मैं दूसरे ब्लॉग में डालूंगी, अदरवाइज इसके अंदर ही डाल दूंगी, आप लोग देख लेना इसके बाद में क्या है क्या नहीं। और उसके बाद में है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, उसके बाद हम मैंने 9 बजे ऐसी वर्चुअल सेलिब्रेशन बर्थडे पार्टी रखी है। सो मैंने एक इन्विटेशन कार्ड बनाया हुआ है धर्मेश के बर्थडे के लिए, कि मैंने वहाँ पे उन जो भी रिलेटिव्स है हमारे उसको मैंने इन्विटेशन भेजा है कि शाम रात के 9 बजे वो लोग फ्री हो जाए और सब लोग जूम पार्टी, मैंने अरेंज की हुई कि सब लोग जूम पार्टी में
ज्वाइन हो मेरे साथ और धर्मेश के साथ हम बर्थडे, और मैंने ऑलरेडी धर्मेश को वहाँ पे उसकी फेवरेट चीज़ केक मैंने ऑलरेडी वहाँ पे ऑर्डर कर दिए, तो मैं विश करती हूँ कि वो लोग भेज दे मुझे जितने बजे चाहिए, होप सो हो जाए ऐसा कुछ, क्योंकि मैं उनको मैसेज कर रही हूँ, मेल भी किया हुआ है, पर वो लोग रिप्लाई नहीं दे रहे। मैंने बोला हुआ कि 11 बजे पहुँचा देना केक, होप सो पहुँचा दे तो ही हम लोग शाम की जो जूम पार्टी है वो हो सकेगी, कि वो कटिंग करे और हम लोग यहाँ से विश करें, ऐसा कुछ मैंने अरेंज किया हुआ है यहाँ से। सो मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि मैंने इतना अच्छी तरह से पूरा अरेंज किया हुआ है, और मैंने एक उसकी इनविटेशन कार्ड बनाया है वर्चुअल बर्थडे सेलिब्रेशन का। और उसके साथ तो सारे रिलेटिव्स को मैंने भेज दिया है, सो सब लोग शाम के रात के 9 बजे वहाँ पे होंगे, सो हम लोग साथ में उसके साथ सेलिब्रेट करेंगे, तो उसको फैमिली भी मिल जाएगी सारी धर्मेश को, और वो बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे फैमिलीज के साथ सेलिब्रेशन करके जूम में सबके साथ में मिलके। तो मुझे एक आइडिया ये बहुत ही अच्छा लगा कि मैं कुछ वर्चुअल करूँ कि सबके साथ अच्छे से वो सेलिब्रेट कर सके। सो बस यही सब है। चलो आप लोग देख लेना बाद में हम लोग क्या करते, बाकी मैं थोड़ी बहुत हिंट दे देती हूँ, ये सब ट्रेलर था, बाद में थोड़े दिनों के बाद में होगा मूवी, मैं और कुछ नहीं बताया होंगी। अगर समझने वाले आप लोग होशियार होंगे तो आप लोग पता चल जाएगा, मैं अभी नहीं बताऊँगी। मैं आपको बाद में बताऊँगी। बस यही था आज का व्लॉग, आज का व्लॉग तो नहीं अभी कंटिन्यू है। सो चलिए मैं यहाँ से ये सब कुछ हटा दूँ और अच्छे से क्लीन कर दूँ। आप लोगों ने डेकोरेशन देख के लिया होगा कि मैंने यहाँ पे कैसा किया हुआ है। सो बस चलो मैं फटाफट से ये ख़त्म करती हूँ और आराम कर रही हूँ, सुबह के 7 बजे उठी हूँ संडे के दिन भी। तो सब कुछ करती हूँ, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मेस है, दिखाती हूँ मैं आपको। ये सब ख़त्म करने के बाद में आपको मिलती हूँ। बिरयानी बन रही है, है। तू बना रहा हूँ, सबको इंस्ट्रक्शन तू दे रहा है ऐसा है। कौन आशो? ओ माय गॉड, क्या मास्टर शेफ क्या बनाता है? मास्टर शेफ इंस्ट्रक्शन क्या कर रही हो? थोड़ा बड़ा छोटा छोटा काप रहा हूँ भाई, वेट नहीं उतारने की भाई। वेट नहीं उतारने की ये क्या है? टमाटर है ना, चाकने दो रे को बताना कैसा लगा, क्या जोदा बना है आपने टमाटर? आरती ले लो। एक नंबर, दो नंबर, लाइन में खड़े रहो सब। आरती के लिए तो यहाँ पे ऑलरेडी ब्लॉक 4 की जो लड़कियाँ हैं उन लोगों का रेडी हो चुका है। ये एक्स्ट्रा है वहाँ के स्टाफ के लिए, और ये ब्लॉक 6 के लिए, ब्लॉक 1 है, ब्लॉक 3 के लिए कपड़े और ये सब ऑलरेडी हम लोगों ने पैकिंग कर दिया है।
पे खत्म करती हूँ। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, और वेट फॉर नेक्स्ट व्लॉग।